सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी पेश। पुलिस ने जेल से मंशा बम को भी अदालत में पेश कर दिया। एक मंशा बम काबू में नहीं आ रहा, ये है नए पाकिस्तान की पुलिस। शर्म आनी चाहिए पुलिस को, गालियां भी खाते हैं, बदमाशों की तरफदारी भी करते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर पुलिस पर बरहम, तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है? मंशा बम से चीफ जस्टिस का डीआईजी ऑपरेशन से इस्तफसार। अलीमा खान की जायदाद कराया नामा की तफसील, सेल बंद लफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश। अलीमा खान ने दुबई की जायदाद जाहिर नहीं की, बाकी तमाम जायदादें एमएनसीटी स्कीम में जाहिर की। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का अदालत में मौकिफ, अलीमा खान ने बैंक से कर्ज लेकर फ्लैट खरीदा फिर फरोख्त कर दिया, अब क्या मामला है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। एफबीआर को कार्रवाई का तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। पूरे लाहौर को गंदा पानी पिला रहे हैं, दरियाए रावी में गंदगी फेंकी जा रही है। चीफ जस्टिस के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ना लगाने के खिलाफ केस में रिमार्क्स, हमें आए तो अभी चंद रोज हुए हैं। मियां महमूद रशीद का जवाब, आपको 10 दिन हुए हो या 20 रोज, मिस्टर मिनिस्टर हमें अमल दरामद चाहिए। चीफ जस्टिस का महमूद रशीद से मुकालमा, कमेटियां बनाने का मकसद ताखीर करना है, जरूरत पड़ी तो वजीर आला को बुलाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 5 दिसंबर को हतमी प्लान तलब कर लिया। PKLI को शाहकार करार दिया, जाएं तो गोदाम लगता है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अस्खुद नोटिस की समात, PKLI मंसूबा 34 अरब रुपए का है। डॉक्टर सईद अख्तर कहाँ हैं, बुलाएं। चीफ जस्टिस, डॉक्टर आमिर 12 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, मामला नैब को भिजवा देता हूँ। चीफ जस्टिस, कमेटी की रिपोर्ट मंगवा ले, मामला नैब को ना भिजवाए। डॉक्टर आमिर की सदा, क्यों ना भिजवाऊं, मैं अंधा हूँ या समझ नहीं रखता? चीफ जस्टिस। इंतजामिया ने जाली कागजात बनाकर मेरी अराजी पर मुसाफिर खाना की तामीर शुरू कर दी। रेलवे स्टेशन के करीब 7 कैनाल 16 मरले अराजी मेरी मिल्कियत है। नसरीन बीबी की सिविल कोर्ट में दरख्वास्त, अदालत ने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर खाना के कयाम के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, 4 दिसंबर को अमल दरामद रिपोर्ट तलब। तनख्वाहें अदा करो, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल करो, लेडी हेल्थ वर्कर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, अदालत के दरवाजे के सामने धरना दे दिया, नारेबाजी, चीफ जस्टिस से अस्खुद नोटिस लेने की अपील। डबल सवारी के लिए डबल हेलमेट, आज और कल शहरियों को मिलेगी वार्निंग। 3 दिसंबर से हेलमेट की पाबंदी न करने पर चालान कटेंगे, खवातीन को भी हेलमेट पहनना होगा, साइड मिरर ना होने पर भी चालान होगा। CTO पंजाब हुकूमत ने तब्दीली के नारे पर कितना अमल दरामद किया, 100 रोजा प्लान और वजरा की कारकर्दगी का जायजा लेने वजीर आजम की आज लाहौर आमद। इमरान खान और वजीर अला पंजाब की वन ऑन वन मुलाकात होगी, सूबाई काबीना के इजलास की भी सदारत करेंगे। रेलवे की 2 माह की कारकर्दगी क्या रही, रेलवे आमदनी फ्रेट सर्विस में तौसी पर मुशावरत, रेलवे हेडक्वार्टर्स में वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जेर सदारत अहम इजलास। सेनेटर सिराजुल हक की जेर सदारत जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का मंसूरा में इजलास, लियाकत बलोच नायब उमरा और चारों सूबाई अमरा की शिरकत, मुल्की सूरत हाल महंगाई के हवाले से एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। पसंद की शादी जुर्म बन गई, सेशन कोर्ट में लड़की पर रिश्तेदारों का तशद्दुद, खवातीन रिश्तेदार आपस में उलझ पड़े, लड़ाई के दौरान 2 खवातीन जख्मी, पुलिस एहलकारों ने बीच बचाव कराया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन समनाबाद का 20वां कन्वोकेशन, वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं सरफराज की शिरकत, तालिबात में डिग्रियां तकसीम। अली इंस्टीट्यूट फिरोजपुर रोड में लाइट स्कूल का सालाना स्पोर्ट्स मेला, मुख्तलिफ कैंपस के तलबा की भरपूर शिरकत, तलबा में मुतअद्दिद खेलों के मुकाबले।